हेलो फ्रेंड, द किलियन पांडे शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, 27 दिसंबर को सलमान खान का बर्थडे है, तो हमारी तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे। और आशा करते हैं उनका जो भी आने वाले मूवीज है सब ब्लॉकबस्टर है। तो दोस्तों, उससे पहले जो वीडियो हम स्टार्ट करें, मैं पूछना चाहूंगा शिक्षा, तुझे कौन सा याद है, तेरा कौन सा फेवरेट मूवी है सलमान खान का? फेवरेट मतलब अच्छा, वो एक्चुअली सबका ऑल टाइम फेवरेट है। मैंने फिर भी एक ऐसा मूवी जो स्पेसिफिक है तेरा, या हम आपके कौन ही है तेरा? हम आपके कौन है, क्योंकि उसमें माधुरी भी थी, अच्छा उसकी वो फेवरेट है। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम जब देखे थे। एंड उसका ओपनिंग जो सीन था मूवी का, कास्टिंग का, दो चार फेवरेट मूवी थे वैसा, मतलब हम कभी भी देख सकते हैं। एक है मैंने प्यार किया, वो मूवी मैं कभी भी देख सकता हूँ, मुझे बहुत उसके गाने एक्चुअली बहुत पसंद है, उसमें अच्छा लगा था वो मुझे। एक अंदाज अपना अपना है वो भी हम कभी भी दे सकते हैं फिर से। हम आपके कौन तो ऑल टाइम है, वो न जाने कितने बार हम लोग थिएटर में ही देखे हैं, कितने बार टीवी पे देखे हैं। एंड स्पेसिफिक में अगर स्पेशल रोल में मुझे वो स्पेशल अपीयरेंस में एक्चुअली वो कुछ कुछ होता है मुझे बहुत पसंद है उसमें। एंड जो फिर बाद के मूवीज में मुझे वांटेड बहुत पसंद है। इवन मैं पोकरी देखा हूं तो मुझे लगता था कि महेश बाबू जो पोकरी में रोल किए हैं और कोई कर नहीं सकता है, बट सलमान खान अच्छा ही किया, बहुत जस्टिफाई किया, हाँ वो बहुत ही अच्छा किया, तो मुझे इसलिए भी पसंद है। और मैं सोच रहा था कि महेश बाबू जैसे कर चुके हैं रोल शायद कोई नहीं कर पाएगा, बट उन्होंने कर दिया है और अच्छे भी किया। अब तो उसका सीक्वल भी आने वाला है, राधे द मोस्ट वांटेड मैन उसका हम, और भी बहुत सारा मूवीज हम देखे हैं, अच्छा ही है ना। और तेरे नाम, तेरे नाम अच्छा अच्छा मूवीज है पूरा। और लास्ट में अभी जो दबंग बहुत चला है, दबंग चला है, और लास्ट में अभी हमने जो फर्स्ट लुक देखा अंतिम का, वो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है कि वो बहुत अच्छा होने वाला है ना। वो जो गेटअप भी मुझे बहुत पसंद है, और लास्ट में वो जो बॉडी वॉडी दिख रहा है तो वो बहुत अच्छा होने वाला है। हम आशा करते हैं अंतिम नेक्स्ट ईयर जब रिलीज हो अच्छा से चले, बहुत ही अच्छे चले, ब्लॉकबस्टर रहे। अच्छा दोस्तों, आइए आप देरी नहीं करते हैं, ये जो सलमान खान बर्थडे मैशअप है वो देखते हैं और उस पर अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों, ये तो शायद रेडी का था क्या? शायद है ये तो टाइगर नहीं है। दबंग बजरंगी भाईजान भूल गया, ये तो भारत स्वागत नहीं करोगे तो प्रेम रतन था सर विश्वास ये तो टू गुड असल में बहुत ही अच्छा, तो ठीक था उसका फर्स्ट हिट था ना ये, तो सलमान क्या हैंडसम था ना। हाँ अभी भी है, उस समय तो और अच्छा दिखता था, बड़ा बड़ा आंख है उसका पूरा। हम आप हम दिल दे चुके हैं, हम दिल दे चुके हैं, कैसे मिस करेंगे सलमान खान का फेस ऐसा है, कभी गंदा दिख नहीं सकता। ये तो शायद इसका सीन है, जय हिंद। छोटा सा उसमें सब मुकेश से ही गया था आदमी। तेरा नाम
कंट्रोवर्सी होते हैं से बात करते हैं कि बहुत शर्म है। ये कौन सा गर्व है? क्या पता, ये सब गर्व है। वो गर्व था, जिंदगी कमाल है, जब सब कुछ खो चुका था। यहाँ से उसका चेंज हो गया ना फिर से, बर्थडे का है पागल फैन से पूरे इसके तीसरे शेख जिसे दुनिया सलमान खान के नाम से जानती है। जितनी कमाई आप करते हैं उसका 10% आपको मिलता है और 90% आपको बहुत सारा सोशल काम में करते हैं। बस 10% यूज करता अपने राजमौली करेंगे क्या? अरे मजा आ जाएगा फिर तो। बॉडीगार्ड दिखाया क्या? होता दिखा वैसे और एक चीज है, मैक्सिमम मूवीज में गाने जैसे भी अच्छे हैं। एक और चीज इम्पोर्टेंट है, देखिएगी जैसे सलमान शाहरुख खान का एक सिग्नेचर हम जानते हैं डांस का, वो जो वो आर्म्स ओपन करने का, लेकिन तो सलमान खान का एक नोटिस की तू ऑलमोस्ट हर मूवी में अलग अलग एक सिग्नेचर स्टेप है। मैं एक नोट किया अभी, कोई भी हीरो का उतना नहीं है जितना सलमान खान का है ना। वो बेल्ट का वो पीछे है हर मूवी में अलग है। एक्चुअली वांटेड से ही स्टार्ट हुआ मुझे लग रहा है, उसके पहले नहीं था ऐसा। ऑफ कोर्स ओ जाने जाना सबका था, वो जाने जाना, ये जो मुझसे शादी करो जो क्या गाना था वो जो टॉयल वाला, तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो देखिए नहीं नहीं वो तो गाने का स्टेप्स है। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, एक दूसरे वो देख के कोई जान नहीं सकता है सलमान खान का मूवी का बात कर रहा है। मैं अभी नोट किया यार, इतना साल से मैं मूवी देख रहा है बट सलमान खान का बहुत सारा सिग्नेचर स्टेप है और अच्छा है। वो ये वाला है, ऐसे ऐसे है, सबको इजी सिंपल रहता, कोई भी कर सकता है, फैंस या नॉन फैंस जो उसको डांस नहीं भी आता, देखते हैं कि ऐसा ही हो, ऐसा हो, सिंपल हो। वो बोले भी थे एक जगह। वाह यार सीरियसली अमन, अभी एक्चुअली सोचने से लग रहा है कितना सारा आर्म स्टेप्स है जो एक सिग्नेचर स्टेप्स है। एक नहीं है, कोई कोई हीरो का एक दो ही रह जाता है, बट इनका तो बहुत है यार, मजा आ गया देख के है ना। और एक भी चीज देख, हाल फिलहाल में देख, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ या विद्युत जामवाल, वो लोग मैंने एक्शन के लिए भी जाने जा रहे हैं मास्टर, बट जो बॉलीवुड जो एक बोल सकते हैं मसाला कमर्शियल के लिए जो एक्शन चाहिए होता है, सलमान खान पूरा परफेक्ट फिट है ना एक्शन मूवीज। वो जब एक्शन करता है लगता है एक्शन हो रहा है ना, उनका स्टाइल है देख, मार्शल से रिलेटेड है वो लगता है, बट सलमान खान का परफेक्ट जो एक हीरो होता है, जो हिंदी मूवी हीरो या बॉलीवुड हीरो या कहीं का भी इंडियन फिल्म हीरो का, एंड तो वो एक अच्छा लगा देख के, बहुत अच्छा कॉम्पिलेशन किया जिन्होंने भी किया है। और एक चीज मेरे को एक्चुअली एक्साइट किया जब वो एक जो क्लिप दिखाया कॉफी विद करण का, जिसमें राजमौली सर बोले कि उनका फेवरेट एक्टर एक्टिंग वाइज सलमान खान है, खान्स में सलमान खान है। मैं सोचा नहीं, लाइक राजमौली सर को देख के ऐसा लगा कि मे बी वो आमिर खान को या शाहरुख खान को बोलेंगे, बट
तो अगर राज क्योंकि सलमान खान को कोई सीरियसली लेता नहीं है अगर तू देखेगा तो एक्टिंग वाइज कोई सीरियसली नहीं लेता लेते हैं बट अगर शाहरुख खान और आमिर खान के साथ है तो सब आमिर खान ही सोचेंगे उनके साथ कंपेयर होने से कोई सोचेगा नहीं कि उसको प्रेफर करेक्ट कर राजमौली सर तो ये एक अच्छा मुझे एक्साइटमेंट इसलिए लगा क्योंकि राजमौली सर जब कभी बोलते हैं तो एक थोड़ा सा क्या होप कर सकते हैं अगर राजमौली सर कभी मूवी बनाएंगे तो जरूर सलमान खान को लेंगे है ना और वो मूवी बना तो जबरदस्त बनेगा क्योंकि राजमौली सर का जो मूवीज रहता है वो आजकल एपिक ही है माने हिट होना ही होना है एक बहुत लार्ज स्केल में होगा मूवी एक मास्टरपीस है तो उसमें अगर सलमान खान रहे तो बहुत मजा आ जाएगा यार टू गुड माने वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग पा सकता है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हां यार टू गुड अच्छा लगा देख के तो जिन्होंने भी ये बनाया मैशअप उनको हैट्स ऑफ बहुत अच्छा बनाया है बहुत सारी यादें ताजा हो गई तो अगेन हमारी तरफ से सलमान खान को हैप्पी बर्थडे ऑल द बेस्ट आपकी अपकमिंग मूवीज के लिए ठीक है दोस्तों फिर होप आपको भी ये बर्थडे का मैशअप पसंद आया हो अच्छा लगा हो अभी देखने के लिए तो ठीक है दोस्तों फिर अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए अलविदा टेक केयर बाय।